नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोटोस्टेट मशीन 2870 IR 2870। तो दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम है, कैनन की है, कैनन IR 2870। तो इसके अंदर दोस्तों एक प्रॉब्लम आई हुई कि जो पेज है वो यहाँ पर जाके फंस जाता है। ये जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसको अपन टेफ्लोन सिस्टम बोलते हैं, इसके अंदर टेफ्लोन पाया जाता है। इट्रोलर भी यही होता है, टेफ्लोन भी इसी के अंदर पाया जाता है। तो पेज जो है वो यहाँ से उठ के, आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से पेज उठ के और यहाँ पर आके अटक जाता है, या डुप्लेक्स में आता है तो यहाँ पर अटक जाता है, तो मैन यहाँ पर अटकता है पेज। तो दोस्तों यहाँ पर पेज अटकेगा तो या तो अपने को टेफ्लॉन जो है उसको साफ करना पड़ेगा, या टेफ्लॉन डैमेज हो गया है, कट गया है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको खोल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी अंदर की साइड में कंडीशंस क्या है, उसी के आधार पर हम इसको सेट करेंगे। ख़राब है तो चेंज करेंगे, ख़राब नहीं है तो इसको हम थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और ग्रीसिंग करने की कोशिश करेंगे कि वो सही हो जाता है। तो दोस्तों इसको खोल के देखते हैं, फिर अंदर की तरफ देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई हुई। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो फिक्सिंग यूनिट है इसको खोलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं IR 2870 फोटोस्टेट मशीन के ना। तो ये दोस्तों इसके अंदर चार स्क्रू आते हैं, दो स्क्रू इस साइड में और दो स्क्रू उधर वाले साइड में आते हैं। तो आपको ये चार स्क्रू खोलने पड़ेंगे। चार स्क्रू खोलने के बाद में ये जो फिक्सिंग यूनिट है ये बाहर आ जाती है, जिसमें हमें अभी टेफ्लॉन जो है उसको देखना है, उसमें चेक करना है कि उसकी कंडीशन क्या है, और यदि ख़राब है तो उसको हमें चेंज कर देना है। तो वो पूरी की पूरी प्रोसीजर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। तो अभी फॉल्ट आया हुआ है दोस्तों इसके अंदर, क्या है कि ये कागज़ जो है वो यहाँ पर फंस रहा है, पेज जो है वो यहाँ पर फंस रहा है। तो दोस्तों ये हर फोटोस्टेट मशीन में आना आम बात है, आ जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये फिक्सिंग जो यूनिट है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो टेफ्लॉन है वो उसके अंदर क्या होता है वो चिपक जाता है, यानी यदि आप उसके अंदर ग्रीसिंग वगैरह सही ढंग से नहीं करते हैं तो फिल्म जो है वो चिपक जाती है। तो क्या होता है कि दोस्तों कागज़ जो है वो आगे नहीं जा सकता, तो हमें फिक्सिंग फिल्म जो है उसको अभी देखना है, और यदि सही है तो ठीक है, इसमें ग्रीसिंग कर देंगे। इसमें दोस्तों ग्रीसिंग भी अलग ढंग की होती है, अलग टाइप से होती है, तो मैं आपको बताऊँगा। तो हमने देखिए इस फिक्सिंग यूनिट को बाहर निकाल लिया है, आप देख रहे हैं अभी। तो ये देखिए फिक्सिंग यूनिट, इसको हम खोलेंगे तो मैं आपको सारी प्रोसीजर बता रहा हूँ इस फिक्सिंग यूनिट के खोलने की। इसमें आसानी से खुल जाता है, आप बिल्कुल आसानी से इसको खोल सकते हैं, बिल्कुल केयरफुली खोलिए। ये कुछ एक स्क्रू आते हैं ऊपर ऊपर, लेकिन दोस्तों खोलना तरीके से है कि इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं खोलने की होती हैं, फिर भी आप गलती से खोल देते हो तो दोस्तों नुकसान होने की संभावना होती है। तो वही चीज़ें खोलिए जो ज़रूरी है, बाकी चीज़ों को आप नहीं खोलें तो ही बेहतर है। तो मैं आपको पूरी प्रोसीजर बता रहा हूँ इसके अंदर आसानी से। यही दोस्तों ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा जो पेपर होता है उसमें फिक्सिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्सिंग यूनिट, क्योंकि कोई भी पेपर जो होता है वो फिक्स होता है, वो इसी के द्वारा होता है, इसलिए इसे फिक्सिंग यूनिट कहा जाता है। तो आप इसकी प्रोसीजर जो है वो पूरी की पूरी अभी देख रहे हैं। और साइंस के बच्चों के लिए दोस्तों एक काम की चीज़ है, क्योंकि आपको पता कि इसमें टेफ्लॉन पाया जाता है, टेफ्लॉन आपने पॉलीमर में पढ़ा है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है CF2 डबल बॉन्ड, CF2 जिसको टेफ्लॉन बोलते हैं, और CF2 डबल बॉन्ड, CF2 टेट्राफ्लोरोएथीन, और उसी से आप जो इसकी बहुलकीकरण की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ से CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और N लग जाता है जो कि टेफ्लॉन है। तो दोस्तों साइंस के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए इसको इस प्रकार से बातों बातों में हमने खोल लिया पूरा, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन आप इसको मिस मत कीजिए बिल्कुल भी, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और एक मैकेनिक के लिए वेरी यूज़फुल, क्योंकि वो यदि जैसे आप मैकेनिक समझ लीजिए जिसके पास फोटोशेट मशीन है उसको ज्ञान नहीं है, तो वो बिल्कुल से अपने ही दुकान पर बैठकर आराम से इसको आसानी से खोल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी संयम की आवश्यकता है, बिल्कुल धीरे धीरे खोलना पड़ता है। जैसे मैं खोल रहा हूँ तो इसमें देखिए दोनों साइड से इसको बराबर खोलना है,
और इस साइड को खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पर स्क्रू आते हैं। आप ये नहीं कि ऊपर से खोलेंगे, ऊपर से ये जो बीच में नट दिखाई दे रहा है इसको नहीं खोलना है आपको, जो मैं अभी हाथ लगाया मैंने, इसको खोलोगे तो फिर इसमें क्या होता है टाइमिंग आउट हो जाएगी इसकी, तो इसको नहीं छेड़ना है। और ये साइड में नट है इसके, उसको आप आसानी से खोल लीजिए। ये खोलेंगे तो आप देखेंगे आसानी से ये जो दूसरे साइड का जो पिकअप सा लगा हुआ है ये हट जाता है और टेफ्लॉन जो है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये स्क्रू देखिए, जैसे मैं स्क्रू खोल रहा हूँ वो स्क्रू आपको खोलना है। और ये भी याद रखिए कि जैसे खोला है वैसे ही आपको वापस भी लगाना है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आप खोल रहे हो और आपसे वापस नहीं लगे तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन नहीं समझ आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ज़रा सी गलती होती है और हमें नुकसान हो जाता है, टेफ्लॉन फिल्म जो है वो फट जाती है और हमें नुकसान झेलना पड़ता है दोस्तों, तो वो आपको विशेष ध्यान रखना है इसका। तो ये लॉक जो है इसको आसानी से हम धीरे धीरे खोल लेंगे। और अब देखिए ये खोलने के बाद में हमने ऊपर वाला पोर्शन अलग कर दिया है, और इसके बाद में देखिए ये जो ये दोनों साइड में देखिए पिन है, एक साइड में इधर पिन है और दूसरे साइड में इधर है, ये हीटर की पिन है दोस्तों। इन पिन को हटाने से हीटर नहीं चल सकता, तो इसमें एक हीटिंग रोड है। कभी आपकी हीटिंग प्रॉब्लम आ जाए या आपकी कोई पेज फिक्सेशन नहीं हो तो भी आपको यही जो चेंबर है, यही जो ब्लॉक है ये आपको खोलना है। इसको फिक्सिंग यूनिट कहा जाता है क्योंकि यही क्या करती है पेज को फिक्स करती है, और स्याही वगैरह जो होती है वो कागज़ पर फिक्स हो जाती है। आपको पता गर्म गर्म कागज़ आता है वो इसी कारण से आता है कि ये हीटिंग देती है उसे। तो इसको आप बिल्कुल आसानी से खोल लीजिए, और मैं आपको टेफ्लॉन भी दिखाऊंगा अभी इसके अंदर, तो वेरी यूज़फुल है आप लोगों के लिए टेफ्लॉन। ये देखिए इसमें एक पिन आती है दोस्तों इस साइड में, इसको आसानी से आप खोल लीजिए देखिए इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से आसानी से खुल जाएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये देखिए अब इसको आप बाहर निकाल लीजिए, और इसकी जो क्लिप्स वगैरह हैं उनको साइड कर लीजिए, और आसानी से आप इसको अलग कर सकते हैं। यही टेफ्लॉन है इसके ऊपर, या जो फिल्म जिसको बोलते हैं वो यही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो है इसको बोलते हैं टेफ्लॉन, ये हीटिंग का काम करती है। इसके अंदर एक रोड आती है लंबी और वो ही गर्म होती है। गर्म होने से क्या होता है कि ये जो टेफ्लॉन है वो गर्म होता है। टेफ्लॉन होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोएथीन। तो दोस्तों ये जो बिल्कुल हीट पकड़ लेता है उसके बाद में ही कोई पेज होता है वो यहाँ से चलने के बाद में गर्म होकर बाहर निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसके अंदर एक सेंसर आता है, आप ये देख रहे हैं ये छोटा सेंसर होता है, और ये सेंसर ख़राब हो जाता है। देखो इसके अंदर अभी ख़राब नहीं है फिलहाल, इसके अंदर ये ब्लैक आया हुआ है, आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक बिल्कुल पास से देखिए ये ब्लैक है, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रखा। तो मैंने ये सेंसर है ये यदि आधे से ज़्यादा घस जाता है, मतलब ये पूरा आता है यहाँ तक का, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो पूरी की पूरी जो बनावट है वो पूरी सही है, अभी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, ये चल सकता है अभी भी। इसी को वापस डालेंगे, बस इसमें दो दिक्कत आई हुई है। एक तो यहाँ पर ये सेंसर जो है वो पूरा को पूरा जो रीड नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक आया हुआ है। दूसरा इसके अंदर रोटेशन नहीं हो रहा है, एक बार इसके अंदर क्या कि रोटेशन नहीं हो रहा, जैसे कि इसको अपन यहाँ से पकड़ के घुमाते हैं, जैसे कि पेज आएगा तो ये घूमेगा यहाँ से, तो इसमें देखो रोटेशन बिल्कुल नए के बराबर है, क्योंकि इसकी ग्रीसिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसको खोल के अभी ग्रीसिंग करेंगे, बाकी ये चल जाएगा काम इसका। और फिर ये यदि कट के, जैसे ये कट के हाफ हो जाता है तो दोस्तों इसको हम पूरे को पूरे चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम इस आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें ग्रीसिंग कैसे करते हैं। तो आपने सीखा कि टेफ्लॉन जो है वो क्या है। अब देखिए मैं इस टेफ्लॉन को आउट कर रहा हूँ धीरे धीरे। इसमें दोनों साइड में क्लिप है, एक साइड में ये, एक साइड में ये, तो साइड में क्लिप है। और आप इस टेफ्लॉन के साइड में देख रहे हो बिल्कुल वाइट कलर की सी पट्टी दिखाई दे रही है आपको छोटी सी, उसी को आइज बोलते हैं, वो ही सेंसर का काम करती है। यदि उस पर डस्ट आ जाती है तो सेंसर काम नहीं करता, और जो आपका हीट रोलर है वो बिल्कुल से काम नहीं करेगा और राउंड काटता रहेगा। तो ये भी है, अभी मैं आपको बता दूं कि इसकी कंडीशन बिल्कुल सही है, अभी ख़राब नहीं हुआ है, बस इसमें ग्रीसिंग करनी बाकी है। तो ये ध्यान से निकालना है, ये फट जाता है दोस्तों गलती से, इसमें निकालते समय या डालते समय फट जाता है तो नुकसान हो जाता है।
बिल्कुल पतली सी फिल्म अभी आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल से ख़राब हो चुका है। साइड में देखिए जंग लग चुका है इसके, ये जंग सी स्थिति आ जाती है क्योंकि इसमें दोस्तों हीटर पर चलता है, ये हीटिंग है सारा, तो आपको पता है कितना तेज़ गर्म होता है ये। तो इस कारण से देखिए यहाँ पर पूरे में वाइट वाइट और ब्लैक, वाइट तो सही है, ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ये ख़राब है। वाइट तो इसमें ये क्या है, ग्रीसिंग है। इसकी ग्रीसिंग दोस्तों अलग ही ढंग से होती है, इसकी ग्रीस थोड़ी महंगी आती है। ये नहीं कि आप साधारण ग्रीस लगा दोगे तो कोई काम नहीं करेगी, आपको 10-12 दिन में तो वापस खोलना पड़ेगा इसको। तो ग्रीस आपको बहुत अच्छी लगानी है, या आप फ्यूज़र ऑयल जो होता है उसको भी यूज़ में ले सकते हो। पहले इसको अच्छे से क्लीन कीजिए दोस्तों, यदि आप इसको क्लीन नहीं करेंगे और ऐसी ग्रीस लगा देंगे तो कोई काम नहीं करेगी। तो एक साफ कपड़ा लेके आपको इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ साफ कपड़े से। तो क्लीन करने से क्या होता है, इसमें जो भी फंगस वगैरह है, जो भी कोई जंग वगैरह है, छोटे मोटे जो कोई भी टुकड़े लगे हुए हैं, वो सारे उतर जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अभी भी ये तो साफ कपड़े से हुआ है, उसके बाद में हम इसको पेट्रोल से भी दोस्तों साफ़ करेंगे, क्योंकि इससे बिल्कुल क्लियरिटी नहीं आती है। तो इससे पेट्रोल से साफ़ कीजिए आप इसको आसानी से, या आप केरोसिन तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन केरोसिन तेल इस साइड अभी इस टाइम मिलता नहीं है। डीजल इस पर नहीं लगाना है दोस्तों, डीजल पर आपको पता है चिकनाहट होती है, तो इसमें क्लीनिंग नहीं आएगी, चिकनाहट रहेगी। चिकनाहट के लिए हम ऑलरेडी इस पर ऑयल, वो फ्यूज़र ऑयल या ग्रीस जो है वो लगा रहे हैं। फ्यूज़र ऑयल की भी मैं सलाह दोस्तों आपको नहीं दूंगा, क्योंकि फ्यूज़र ऑयल जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है कि गर्म हो जाता है और वो सूख जाता है। तो फ्यूज़र ऑयल भी बढ़िया क्वालिटी का है, तो आप यूज़ में ले सकते हैं। आप फोटोशूट मशीन वालों से फ्यूज़र ऑयल जो है वो ख़रीद सकते हैं, वो सामान बेचने के लिए आते हैं फ्यूज़र ऑयल, वहाँ से आप उनसे ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल लिक्विड सा आता है, लेकिन दोस्तों आप फ्यूज़र ऑयल की जगह पर और ये जो ग्रीस पड़ी है वाइट कलर की डब्बी, ये यूज़ में लेनी है। थोड़ी कॉस्टली आती है, महंगी आती है, लेकिन दोस्तों बड़ी काम की चीज़ है ये, तो आपको ये अपने पास ज़रूर रखनी है। तो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बिल्कुल साफ़। थोड़ा पेट्रोल मैंने लगा के इसमें साफ़ किया है, तो आप भी ऐसे ही साफ़ कीजिए, क्योंकि दोस्तों सफाई ही सब कुछ है। आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। एक नया बंदा भी आराम से जो फिल्म है वो न्यू लगा सकता है। अभी देखिए दोस्तों, मैंने जो फिल्म है वो निकाली थी, लेकिन वो फिल्म सही है, तो मैं वही वापस लगाऊंगा। यदि आपकी फ़िल्म ख़राब है तो आप दूसरी फिल्म दोस्तों लगा सकते हैं, नहीं तो उसको फेंक दीजिए, दूसरी फिल्म लगा दीजिए, एक ही बात है। तो फिक्सिंग यूनिट खोलने के बाद में नई फिल्म भी लग सकती है, लेकिन ये फिल्म सही है दोस्तों। फिल्म का कैसे पता चले आपको, कि दोनों साइड देख लीजिए कि इसमें कटी हुई तो नहीं है। जैसे आप इसमें पूरे की पूरी ये दोनों साइड की क्लिप लगा देते हैं, तो आप इसमें देखिए गैप कितना है। यदि गैप बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब तो ये जो फिल्म है ये फेंकनी पड़ेगी, दूसरी लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये काम दे देगी। जैसे कि मेरे काम आ सकती है, तो मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ बिल्कुल से, देखिए कपड़े से आसानी से साफ़ हो जाती है। साइड से कपड़ा डालेंगे और दूसरी साइड से निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों दिमाग लगा के काम करना है, ये फट जाती है तो नुकसान है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे इस साइड से साफ़ करेंगे ऐसे, तो दूसरी साइड निकल जाएगी, तो ये बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। इसके अंदर भी जो भी कचरा वगैरह है वो सारा का सारा जो है वो बाहर निकल जाएगा दोस्तों। तो बहुत अच्छे से इसकी सफाई कीजिए आप इस प्रकार से। तो मैं इसी प्रकार से इसमें आसानी से सफाई करता हूँ टेफ्लॉन की, तो मेरी टेफ्लॉन की जो लाइफ है वो अच्छी चलती है, नहीं तो दोस्तों ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाती। तो एक बार थोड़ा पेट्रोल खर्च होगा 10-15 रुपए का, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इसमें जो टेफ्लॉन है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साधारण भाषा में दोस्तों इसको फिल्म ही बोलते हैं। आप जैसे बाज़ार में ख़रीदेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या दोगे, तो टेफ्लॉन से कोई समझेगा नहीं, क्योंकि इतना नहीं समझते। तो ये फिल्म है, ये आइज़ को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसमें देखो ब्लैक आया हुआ है, तो इसको अच्छे से साफ़ करना है आपको। तो ये साफ़ होने के बाद ही दोस्तों इसमें आप डालोगे से, तो ये फिक्सिंग पूरी की पूरी खोल रखी है। इसके बाद में इसको निकाल लीजिए, ये रोलर है, इस रोलर को आप निकालोगे तो इसके नीचे एक छोटा रोलर रहेगा। बस आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेष। एक तो मैंने टेफ्लॉन निकाल लिया था फिल्म, और एक मैं इस रोलर को निकालूंगा, इसके नीचे एक रोलर और है उसको निकालूंगा। तीन चीज़ें इसमें मेन है, तीनों को साफ़ करना ज़रूरी होता है। चाहे आप टेफ्लॉन नया बदलो या पुराने वाला ही रखो, लेकिन आपको सफाई तीनों की करनी है अच्छे से, तो ये दोस्तों सब सही हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत है। तो इसमें दोस्तों इसको आसानी से आप, इसमें एक लॉक है, उस लॉक को आप आराम से खोल लीजिए, तो ये निकल जाएगा यहाँ से रोलर।
इसमें क्लिप है, तो आप केयरफुली आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्लिप है। इस क्लिप ये निकल जाएगी, निकलने के बाद दोनों साइड में क्लिप से आती हैं, ज़रा सा खिसका के आप इसको आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी निकाला है इस प्रकार से। तो ये फिक्सिंग 50% से ज़्यादा खुल चुकी है अभी, और इसमें एक रोलर और है, देखिए मैं जो निकाल रहा हूँ ये रोलर और है। इस रोलर को आप आसानी से निकाल लीजिए, एक तो यहाँ से निकलता है दोस्तों, और एक यहाँ से आप रिस्क मत लीजिए दोनों साइड से निकालने की। इसमें एक पीछे की साइड में स्क्रू और है, आप वहाँ से निकालेंगे तो ये वहाँ से भी निकल सकता है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वहाँ से निकालना। तो मैंने इसको निकाल लिया, आप फिक्सिंग को खोलोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा बैक साइड में एक स्क्रू है। तो दोस्तों इसके ऊपर देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की सही जो जमी हुई है, ये नुकसान करती है पेज को अटकाने में, क्योंकि इस पर रोलर जो है वो सही नहीं चल पाता, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था ब्लैक रोलर जो था वो इसी के ऊपर चलता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों पेज चलता है। तो इस पर जब यदि सही आ जाती है, इंक आ जाती है, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है कि पेज को है ना आगे, पेज को आगे पास नहीं कर पाता, तो दोस्तों दिक्कत हो जाती है। तो इसको बिल्कुल से क्लीन करना पड़ेगा, इस पर इंक आके जमती रहती है, क्योंकि दोस्तों ये फिक्सिंग है जो पेज है उसको फिक्स करता है, तो ये क्या करता है इसमें इंक जमती रहती है और इसके ऊपर एक परत बनती रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल से ब्लैक ब्लैक निकल रहा है, ये परत के कारण ही हुआ है, हीटिंग की वजह से हुआ है। तो लगभग आपको 15-20 हज़ार, या आपको पहले टाइम मिले तो पहले या 15-20 हज़ार कॉपियों के आसपास एक बार इसको खोल के साफ कर लेना चाहिए, तो आपकी जो फिल्म है उसकी भी लाइफ बढ़ती है और इससे फिक्सिंग यूनिट की भी लाइफ बढ़ती है। नहीं तो दोस्तों खर्चा ज़्यादा आ जाता है और आप उस खर्चे को आसानी से बचा सकते हैं। तो इस फिल्म को अच्छे से आप इस रोड को भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ज़्यादा इसमें ज़्यादा अंदर से गहराई से नहीं करना, ऊपर ऊपर से करना है, और बाद में इसको आप पेट्रोल से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, तो ये बिल्कुल से आसानी से क्लीन हो जाता है। एक बार इसको बिल्कुल से साफ़ कीजिए आप, फिर इसके बाद में देखिए अब मैं इस जो फिल्म है वो लगा रहा हूँ। तो मेरे पास ग्रीस है, वाइट कलर की ग्रीस आती है दोस्तों, इसकी थोड़ी कॉस्टली ग्रीस है, ये पास में सीसी पड़ी है, ऐसे फ्यूज़र ऑयल आता है, तो मैं फ्यूज़र ऑयल काम में नहीं ले रहा एक बार। यदि ये नहीं है वाइट कलर की ग्रीस, तो उसकी अब ऑप्शन में आपको फ्यूज़र ऑयल काम में लेना है, लेकिन उसकी लाइफ कम है, इसकी लाइफ ज़्यादा है, तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि ये लीजिए, क्योंकि मैं बहुत तो ये लगाता हूँ हमेशा, ये वाइट कलर की जो आपको ग्रीस दिखाई दे रही है कॉस्टली है दोस्तों, लेकिन फ़ायदा बहुत करती है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और इसको आप काम में लीजिए, तो बहुत अच्छा है, इसको आप हमेशा अपने साथ रखिए, जब भी कोई सामान मंगाएं तो ये जो डब्बी है, डब्बी को आप हमेशा ज़रूर मंगवाएं, ये अपने पास आपको रखनी है दोस्तों। तो मैं इसमें थोड़ा मैक्सिमम लगा देता हूँ, क्योंकि ये बार बार नहीं खोलना है, और फिर दोबारा खुलेगा तो एक बार फिर दोबारा इसमें लगा देंगे, तो चलता रहता है इसी प्रकार से, इतना बहुत है, और आगे पीछे साइड में और लगाना चाहिए तो लगा देंगे इसमें। इसके ऊपर क्या आता है दोस्तों, जो फिल्म है वो पूरी सी के ऊपर घूमती है, ये फिक्स रहता है, हर फिल्म इसके ऊपर घूमती है, तो सोच सकते हो कि फिल्म इसके ऊपर घूमेगी तो ये पूरी राउंड खाएगी, तो ये क्या होगा जितनी बार गर्म होगा तो ये पिघलेगा, पिघल के फिर दोबारा से अपनी जगह वापस आ जाता है। तो दोस्तों ये कंडीशन आती है, तो इसके लिए इसमें अच्छे से ये लगाना पड़ता है, ग्रीस अच्छे से लगानी पड़ती है, तो ये पिघलती भी नहीं है और इसको ल्यूब्रिकेंट के रूप में काम आती है। तो इसमें आप अच्छे से ये लगा दीजिए, इसमें लालच मत कीजिए, यदि आपका 150 का खर्चा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म बार बार नहीं निकलती, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल काम है इसको खोलना। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि इसमें अच्छे से आप ग्रीस जो है वो लगाइए, लालच ना करें, थोड़ा सा वाइट पूरा कर दीजिए। अब मैं इसके ऊपर ये टेफ्लॉन जो है वो चढ़ा दूंगा, टेफ्लॉन का ध्यान रखना कि देखिए दोस्तों ये वाइट वाला जो पार्ट है जो निकाला था वहीं से वापस डालना है, यदि आप उल्टा डाल दोगे तो सारी आपको यूनिट खोलनी पड़ेगी। ये वाइट जो आपको आइज दिखाई दे रही है, इसमें सेंसर है, ये सेंसर है ऊपर, इसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है, ये वाइट पार्ट आते वो सेंसर इसको रीड करता है और कॉपी जो है वो रुक जाती है, यदि वो ये काम नहीं करेगा तो कॉपी चलती रहेगी, मशीन में एबनॉर्मिलिटी आ जाएगी। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि वाइट पार्ट आपको जैसे निकाला था उसी साइड वापस डालना है, ये नहीं कि आप गलती से उल्टा डाल दो, उल्टा डालने से भी ये टेफ्लॉन तो डल जाएगा आराम से, लेकिन आपको फिर दोबारा खोलना पड़ेगा, क्योंकि मशीन में एबनॉर्मिलिटी आएगी, चलेगी नहीं मशीन आसानी से और दिक्कत आती रहेगी। तो आप इसको इस प्रकार से आसानी से टेफ्लॉन को डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, और ये देखिए पूरा
आगे तक आ गया टेफ्लॉन। इस पर दोनों साइड से जो लॉक खोले थे वो लॉक आप इसमें वापस लगा दीजिए जैसे कि मैंने लगाए हैं। बाकी का वैसे काम करना है जैसे कि अपने खोल के किया था, जैसे खोला था वैसे आपको वापस लगाना है, नहीं तो मैं आप वापस ज़्यादा करूँगा तो इसमें वीडियो थोड़ा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको इसमें स्किप नहीं मारना है दोस्तों। बिल्कुल आप देखते रहिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो प्राप्त होते रहें। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारी फैमिली के सदस्य बन सकें और मुझसे जुड़ सकें। मैं बनाता रहता हूँ ऑल इन वन वीडियोज क्योंकि मेरा चैनल ऑल इन वन है, इसमें आप गाड़ी वगैरह बाइक्स और भी वीडियो जैसे मशीनरी हुआ कुछ भी हुआ तो इस प्रकार के वीडियो जो है दोस्तों अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो आप यदि कोई कमेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाऊँगा और बाकी की प्रोसीजर आप वैसे ही करनी है आपको जैसे कि जो मैंने खोला था उसी प्रकार से। तो आप ये जो जैसे हटाया था वैसे हमें इसको ऊपर वापस रखना है। मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया दोस्तों जैसे कि हटाया था वैसे ही, तो इस पर आप आसानी से इस पर लगा सकते हैं। दोस्तों फोटोस्टेट मशीन पर आप कभी ब्लोर का यूज़ मत लीजिए, आप उसके उतना कपड़े से साफ कीजिए। ब्लोर मिट्टी थोड़ी बहुत पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लोर मारोगे तो आप नुकसान ज़रूर कर लोगे क्योंकि इसमें सेंसर आते हैं और उसमें मिट्टी जम जाएगी तो आपकी मशीन जो है उसमें नुकसान हो जाएगा, तो आपको ब्लोर यूज़ में बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों मशीन के लिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैं खोल रहा था, मैंने वैसे उसको बिल्कुल से पैक कर दिया है और आप इसको आसानी से पैक कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसको खोला था वैसे कर दिया है। तो बिल्कुल अब ये रेडी है और अब मैं इसको मशीन में लगा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल से रेडी तैयार हो गई दोस्तों। तो चलते हैं मशीन की तरफ और इसको मशीन में फिट कर देते हैं। तो जैसे निकाला था वैसे ही मैं इसको मशीन में वापस फिट करूँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग काम ज़रूर है और थोड़ा टिपिकल भी है नए बंदों के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहें तो आसानी से आप इस फिक्सिंग यूनिट को खोलकर वापस लगा सकते हैं। तो आप टेफ्लॉन चेंज कर देंगे, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है दोस्तों। मैं तो इसमें फिर भी करता रहता हूँ क्योंकि मेरी रुचि है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें जैसे खोला था उसको आप वापस ढंग से उसी प्रकार से लगा दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तार वायर जो है वो कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो ये कोई रोलर के या कोई गियर के तार टच हो जाता है नीचे की साइड में, तो आपको पता है तार कट जाता है और नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस पूरी पूरी फिक्सिंग को बंद कर दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा जो ये वीडियो है वो बिल्कुल से पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो हैं वो सबके पास जा सकें।